नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। मैं इसे जेंट्स हाफ स्वेटर में बना रही हूँ। आप इसे चाहें तो लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में या बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। ये सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए 18 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 36 फंदे डाले हुए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और ये फाउंडेशन रो है। तो फाउंडेशन रो में हम 6 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और 6 फंदा सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और अब हम 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 12 फंदे उल्टे बनाने के बाद 6 फंदे सीधे। और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बना लेंगे। तो हमने शुरुआत में 6 फंदा उल्टा बनाया, फिर 6 फंदा सीधा, फिर 12 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा। यानी बीच में हमारे यहाँ पे 12 फंदे उल्टे हो जाएंगे। देखिए, शुरुआत में हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, फिर 6 फंदे सीधे, फिर 12 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 12 फंदे उल्टे। यानी बीच में 12 फंदे रहेंगे, ये 12 फंदे उल्टे रहेंगे और साइड साइड में 6-6 फंदे उल्टे रहेंगे। और ये सेकंड फाउंडेशन रो है, तो सीधे फंदों पर हम सीधा फंदा बनाएंगे और उल्टे फंदों पर उल्टा फंदा बनाते हुए लाइन पूरी कर लेंगे। तो हमने 2 फाउंडेशन रो बना लिए है। अब तीसरी लाइन से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, तो ये हमने 4 फंदा उल्टा बना लिया। अब ये हमारे जो 6 फंदे सीधे हैं उसमें से एक फंदा हम इन 2 फंदों के आगे लाएंगे, ऐसे सामने की तरफ से 2 फंदों के आगे लाएंगे। ये हमारे 2 उल्टे फंदे हैं, इनके हम इस पहले सीधे फंदे को आगे लाएंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, इसे हम सीधा बुन लेंगे और फिर इन 2 उल्टे फंदों को उल्टा। अब 6 फंदों में से बीच के 4 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और इस छठे सीधे फंदे को इन 2 फंदों के बाद कर लेंगे। तो पीछे की तरफ से इन 2 उल्टे फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, हम सीधे वाले फंदे को गिरा लेंगे और इसे सामने की तरफ से खींचते हुए हम इन 2 फंदों के पीछे ला देंगे, बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब बीच में हमारे 8 फंदे उल्टे आएंगे, तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए, लास्ट में 2 फंदे उल्टे बचे हैं, तो हम 6 सीधे फंदों में से पहला फंदा इन 2 उल्टे फंदों के आगे लाएंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों फंदों को गिरा देंगे, उल्टे वाले फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे खींच के इन 2 फंदों के आगे ला देंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे, उल्टे वाले फंदों को उल्टा। बीच में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 अब ये छठा सीधा फंदा है, इसे हम 2 उल्टे फंदों के बाद करेंगे।
तो पीछे की तरफ से इन दोनों उल्टे फंदों में हम सिलाई डालेंगे, सीधे वाले फंदे को गिरा लेंगे और सामने की तरफ से खींचते हुए हम इन दो उल्टे फंदों के बाद कर लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। लास्ट में चार उल्टा फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। दूसरे लाइन में या रॉन्ग साइड से हम उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे पे सीधा फंदा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हर रॉन्ग साइड में हमें यही करना है, उल्टे फंदे पे उल्टा और सीधे फंदे पे सीधा बुनना है। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है, तो दो फंदा उल्टा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब उन दूसरी ओर करेंगे और इन दो उल्टे फंदों को हम इस सीधे फंदे के बाद करेंगे। तो तीनों फंदों को गिराएंगे, उल्टे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, सीधे वाले फंदों को खींचकर इन दोनों फंदों के सामने लाएंगे और फिर सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो दो फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब फिर हमारा उन दूसरी ओर करेंगे और फिर अब बीच के जो चार फंदे सीधे बचे थे उसमें से एक फंदा हम लेंगे और इन दो उल्टे फंदों के पहले कर लेंगे। तो तीनों फंदों को हम गिराएंगे, उल्टे वाले फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे, सीधे वाले फंदे को खींचते हुए इन दो उल्टे फंदों के आगे ला देंगे, सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, बीच में दो फंदे सीधे रहेंगे जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये फिर हमारा एक फंदा सीधा है, इसे हम इन दो उल्टे फंदों के बाद करेंगे। तो पीछे की तरफ से उल्टे फंदों में सिलाई डालेंगे, सीधे वाले फंदे को गिराएंगे और खींचकर इन दो उल्टे फंदों के बाद कर लेंगे। दोनों उल्टे फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब फिर हमारा ये सीधा फंदा है, तो इसे हम इन दो उल्टे फंदों के बाद कर लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा। अब बीच में चार फंदे उल्टे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। अब उन दूसरी ओर करेंगे और ये जो हमने सीधा फंदा दो, इसे हमने दो उल्टे फंदों के पहले किया था, तो वापस हम इसे दो फंदों के आगे कर लेंगे। तीनों फंदों को गिराएंगे, दो उल्टे फंदों को बाएं सिलाई में, सीधे वाले फंदे को खींचकर इन दो उल्टे फंदों के पहले कर लेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। दूसरी ओर अब देखिए, ये फिर दो उल्टे फंदे हैं, तो इन्हें हम इस सीधे फंदे के बाद करेंगे। तीनों फंदों को गिराएंगे, उल्टे वाले फंदे को बाएं सिलाई में, सीधे वाले फंदे को खींचकर इन दो उल्टे फंदे के पहले कर लेंगे, सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, उल्टे वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तीन फंदे सीधे बचे हैं, तो दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे और इस तीसरे सीधे फंदे को इन दो उल्टे फंदों के बाद करना है। तो दोनों उल्टे फंदों में पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और इन्हें गिरा लेंगे, सीधे वाले फंदे को बाएं सिलाई में, उल्टे वाले फंदों को वापस बाएं सिलाई में कर लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा।
फिर देखिए ये हमारा सीधा फंदा आ गया, तो इसे हम दो फंदों के बाद करेंगे। उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, सीधा वाला फंदा सीधा, और लास्ट में देखिए दो फंदे उल्टे बचे हैं जिसे हम उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखे उसे सीधा, जो उल्टा दिखे उसे उल्टा। डिजाइन का पांचवा लाइन और सामने से अब देखिए ये जो हमारे सीधा फंदा है इसे इन दो उल्टे फंदों के पहले कर लेंगे। तो तीनों फंदों को गिराएंगे, उल्टे फंदे को बाएं लाइन में सीधे वाले फंदे को खींचकर सामने की तरफ ला देंगे, और एक फंदा सीधा फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। उन दूसरी ओर अब वापस इस दूसरे वाले सीधे फंदे को इन दो फंदों के आगे ला देंगे, तीनों फंदों को गिराएंगे, उल्टे फंदे को बाएं लाइन में सीधे वाले फंदे को खींचकर इन दो फंदों के आगे कर लेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे वाले फंदों को उल्टा बुनेंगे। हमें तीन तीन फंदों को ऐसे ही गिराना है और उनका स्थान बदल देना है। देखिए उल्टा वाला फंदा पीछे चला जाएगा, सीधा वाला फंदा खींच के आगे ला देंगे। तो एक फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा। दूसरी ओर अब ये दूसरा सीधा फंदा है, तो इसे हम इन दो उल्टे फंदों के बाद कर लेंगे। उल्टे वाले फंदों में पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, तीनों फंदों को गिराएंगे, सीधे वाले फंदे को बाएं सिलाई में, फिर वापस इन उल्टे फंदों को भी बाएं सिलाई में कर लेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और सीधे फंदे को सीधा। उन अपनी ओर फिर इस सीधे वाले फंदे को इन दो उल्टे फंदों के बाद करना है। तीनों फंदों को ऐसे गिराएंगे, सीधे फंदे को बाएं सिलाई में सामने की तरफ से लाएंगे, फिर इन उल्टे फंदों को भी बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। तीनों फंदों को बुन लेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा और सीधे वाले फंदे को सीधा। उन अपनी ओर फिर देखिए ये सीधा फंदा आ गया, तो इसे हम इन दो उल्टे फंदों के बाद करेंगे। तो उल्टे फंदों पर बाएं पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, तीनों फंदों को गिराएंगे, सीधे वाले फंदे को बाएं सिलाई में, वापस इन्हें बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है उसे हम इन दो उल्टे फंदों के पहले करेंगे। तो तीनों फंदों को गिराएंगे, पहले बाएं सिलाई में उल्टे फंदे को ले लेंगे, फिर सामने की तरफ से खींचकर इसे सीधे फंदे को आगे लाएंगे। सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा। नेक्स्ट तीन फंदे हम गिराएंगे, उल्टे फंदे को हम बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे, सीधे वाले फंदे को खींचकर आगे की तरफ लाएंगे, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनना है। उन दूसरी ओर फिर तीन फंदे को हम गिराएंगे, उल्टे वाले फंदे को बाएं सिलाई में, सीधे वाले फंदे को वापस खींचकर इन दो उल्टे फंदों के आगे लाना है, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनना है। उन दूसरी ओर अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हमें इस साइड में लाना है। तो तीन फंदे हमारे इस साइड में आ गए और तीन फंदे इस साइड में। अब देखिए यहाँ पे दो फंदे उल्टे हैं, दो फंदे इस साइड से आ गए, तो बीच में चार फंदे उल्टे हो जा रहे हैं। देखिए दो फंदे उल्टे हैं, दो फंदे दूसरी साइड से आ गए, तो चार फंदे बीच में उल्टे हो गए। उन दूसरी ओर सीधे फंदे को सीधा। अब फिर इस सीधे फंदे को दो फंदे के बाद करना है, तो पीछे की तरफ से हम उल्टे फंदों में सिलाई डालेंगे, सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से खींचकर बाएं सिलाई में लाएंगे, उल्टे फंदे को भी बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, उल्टे को उल्टा,
और सीधे को सीधा बुनेंगे। अब फिर लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो इन्हें हमें इनका जगह चेंज कर देना है। सीधे वाले फंदे को इन दो उल्टे फंदों के बाद कर लेना है। देखिए सामने की तरफ से इसे हम पीछे की तरफ लाएंगे, उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से आगे की तरफ लाएंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे और सीधे को सीधा, और रॉन्ग साइड से जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। अब ये हमारा पांचवा लाइन है, तो एक फंदा सीधा, हम पहले फंदे को सीधा बुन लें या स्लिप कर लें। अब फिर हमारे ये देखिए तीन फंदे हैं, तो इनका हमें जगह बदलना है। तीनों फंदों को गिराएंगे पीछे की तरफ से, उल्टे फंदों को बाएं सिलाई में ले लेंगे और सीधे फंदे को सामने की तरफ खींच कर इसे आगे ला लेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दूसरी ओर अब फिर नेक्स्ट तीन फंदों को हम गिराएंगे, उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से लेंगे और सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से खींचकर सामने लाएंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। और ये हमारे चार उल्टे फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर ये तीन फंदे हम लेंगे और इनका हमें जगह बदलना है, तो पीछे की तरफ से उल्टे फंदों में हम सिलाई डालेंगे, तीनों फंदों को गिरा देंगे, सीधे फंदे को आगे की तरफ से खींचकर हम लाएंगे और उल्टे फंदों को वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनेंगे। फिर हम इन तीन फंदों को लेंगे और इस सीधे फंदे को उल्टे फंदे के बाद कर लेंगे। सीधे फंदे को सामने की तरफ से इन उल्टे फंदों के पीछे कर लेंगे, उल्टे वाले फंदे को उल्टा और सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये देखिए तीन सीधे फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और फिर इन तीन फंदों को हमें चेंज करना है, तो तीनों फंदों को गिराएंगे बाएं सिलाई पर, इन उल्टे फंदे को हम चढ़ा लेंगे और सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से खींचकर वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा लेंगे। इन तीनों फंदों को हम बुन लेंगे, सीधे वाले को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा। उन दूसरी ओर नेक्स्ट तीन फंदे को लेंगे, इन तीन फंदों को गिराएंगे पीछे की तरफ से, उल्टे फंदे को बाएं सिलाई में हम चढ़ा देंगे और सीधे वाले फंदे को हम सामने की तरफ से खींचकर वापस इन उल्टे फंदों के आगे ला देंगे। सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दो उल्टा फंदा बुना और ये चार हमारे पहले से हैं, तो इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर ये तीन फंदों को हम लेंगे और इनका हमें जगह बदलना है। उल्टे वाले फंदे को पीछे की तरफ से हम सामने लाएंगे और सीधे वाले फंदे को आगे की तरफ से ऐसे खींचकर पीछे की तरफ ले जाएंगे और इन तीन फंदों को उल्टे पे को उल्टा और सीधे को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बीच में आठ फंदे उल्टे आ गए हैं। अब फिर इन तीन फंदों को हम चेंज करेंगे, तीनों फंदों को गिराएंगे, उल्टे वाले फंदे को दाहिने सिलाई में, सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से बाएं सिलाई में लेंगे, इन्हें वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। नाइन्थ रो और सामने से
अब इन दो उल्टे फंदों को हम इन दो सीधे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा। तो दो फंदा सीधा हो गया। अब नेक्स्ट तीन फंदों को हम चेंज करेंगे, उल्टे वाले फंदे को बाएं सिलाई में और सीधे वाले फंदे को खींचकर वापस आगे की तरफ से बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे आठ फंदे थे, दो फंदे ये हो गए, दस फंदे उल्टे हो गए। और फिर इन तीन फंदों को हम जगह बदलेंगे, इन तीन फंदों का हम जगह बदलेंगे तो तीनों फंदों को गिराएंगे, सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से और उल्टे फंदे को हम पीछे की तरफ से लाकर बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 10 फंदे थे और ये दो फंदे आ गए, तो हमारे 12 फंदे यहाँ पे बीच में हो गए। अब देखिए, और यहाँ पे हमारे 5 फंदे सीधे आ गए, 2, 3, 4 और 5, और ये छठा फंदा हमारा, इन तीन फंदों को जब हम बदलेंगे तो ये छठा फंदा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बीच में यहाँ 12 फंदे उल्टे आ गए और 6 फंदे यहाँ पे सीधे। यहाँ पे 10 फंदे उल्टे आ गए और जब इन तीन फंदों को हम बदलेंगे तो बीच में हमारे 12 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 10 हमने बुन लिए हैं और ये दो फंदे मिलके 12 फंदे उल्टे हो गए और लास्ट में यहाँ पे 3 फंदे सीधे आ गए। अब यहाँ पे जो 6 फंदे सीधे थे, अब ये यहाँ पे बीच में आ गए। देखिए यहाँ 12 फंदे उल्टे थे, अब यहाँ पे 6 फंदे सीधे आ गए। तो हम डिज़ाइन के बीच पड़ाव में आ गए हैं, रॉन्ग साइड से सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 11वां लाइन और सामने से 2 फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर हम इन तीन फंदों को चेंज करेंगे तो उल्टे फंदे को हम पीछे की तरफ से दोनों उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, तीनों फंदों को गिराएंगे, सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से लाएंगे, उल्टे वाले फंदों को सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और फिर उल्टे फंदों को हम पीछे की तरफ से बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे, उन अपनी ओर उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब बीच में 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 3 फंदों को हम गिराएंगे और इनका हमें जगह बदलना है, उल्टे फंदे को हम पीछे की तरफ से और सीधे फंदे को हम सामने की तरफ से इन उल्टे फंदे के आगे कर लेंगे। सीधा फंदा हमेशा आगे की तरफ से ही आएगा। 4 फंदे सीधे, फिर इस सीधे फंदे को हमें इन उल्टे फंदे के बाद करना है। सीधा फंदा हमेशा आगे की तरफ से ही आएगा। बीच में 8 फंदे उल्टे, फिर नेक्स्ट 3 फंदों को हमें जगह बदलना है। उल्टा फंदा हमेशा पीछे की तरफ से जाएगा और सीधा फंदा हमेशा आगे की तरफ से ही आएगा।
जैसे हमने यहाँ से यहाँ किया है, सेम प्रोसेस से हमें इन फंदों को वापस यहाँ करना होगा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, ज़्यादा बताने से बहुत ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी लाइन में सीधा फंदा दो उल्टे फंदों के आगे या दो उल्टे फंदों के पीछे जा रहा है, तो नौ लाइन में ये छह फंदे यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए हैं, और इसी तरह क्रमशः हर सीधी लाइन में दो फंदा आगे या दो फंदा पीछे होते हुए वापस ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो 18 लाइन का ये डिज़ाइन है। देखने में ये कठिन लग रहा है, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही आसान है। आप कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। पूरा वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा डिज़ाइन। देखिए कितना खूबसूरत है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, तो डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।